हुसैन इसलिए अजीज है कि इससे मेरा दीन इस्लाम चले, इससे मेरा दीन इस्लाम चले। कितने अजीज हैं ये दोनों शहजादे, अल्लाह इन्हें तस्वीरे मुस्तफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तस्वीरे मुस्तफा। इमाम हसन इमाम हुसैन बिल्कुल हूबहू नबी के मुशाबे थे। जब किसी सहाबी रसूल का दीदारे रसूल तड़पाता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद सताती थी, आपकी ज्यारत बेचैन करती थी, तो वो सहाबी रसूल फौरन सैयदा खातून जन्नत के दरवाजे पर हाजिर हो जाया करता था और सदा देता था, कहां है हसनैन? अल्लाह अकबर। उस सहाबी रसूल हाशिमी की आवाज को सुनने के बाद दोनों शहजादे घर से निकलते थे। वो सहाबी उन दोनों शहजादों को देखकर दीदादे रसूल हाशिमी की जो तिशनगी थी वो बुझा दिया करता, उनके दीद से सैराब हो जाया करता था। इमाम हसन इमाम हुसैन हूबहू पैगंबर के मुशाबे थे, इसीलिए इन्हें दीदारे इन्हें शबीहे पैगंबर कहा जाता है, तस्वीरे मुस्तफा कहा जाता है। हुस्नो निगारे मुस्तफ़वी है हसन हुसैन, हुस्नो निगारे मुस्तफ़वी है हसन हुसैन, यानी बहारे पागे नबी है हसन हुसैन, यानी बहारे पागे नबी है हसन हुसैन, नासों के पाले बजने शरीयत के पाक बास, आले अली वा आले नबी है हसन सुभान अल्लाह, आले अली वा आले नबी है हसन हुसैन। और एक मार्फत का शेर पेश कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो का तालिब हो, जितने भी अहले इल्म हजरात बैठे हुए पूरी तवज्जो के साथ इस शेर को देखेंगे, ये मार्फत का शेर है। खबरदार आपके सरों के ऊपर से ये अशआर निकल न जाए, इसके मफाहीम और मतालिब को समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्फत का शेर है और इसकी गहराई में होता जर होने की कोशिश कीजिएगा। ये शाने मदीना है तो वो हो याद करबला, इमाम हसन शान मदीना है और याद करबला कौन? इमाम हुसैन। दूसरे मिसरे पर तवज्जो जाए, ये शान मदीना है तो वो हो याद करबला, ये राज़े हक वो राज़े नबी है हसन हुसैन, ये राज़े हक वो राज़े नबी है हसन हुसैन। और आखिरी शेर देखें, मकसूदे कायनात ये जो पांच है गुल, जहरा है मुस्तफा है अली है हसन हुसैन, अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ महबूब आप फरमा दो कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता बजो जिसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत किया करे। वाखर दावाना कुल्लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम।